देवरिया जनपद में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज शनिवार को बैकुंठपुर में कार्यक्रम आयोजित कर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी अजय शुक्ला, विधायक सलभ मणि त्रिपाठी, जिला अधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार एक बाद एक एक पौधा माँ के नाम लगाया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा, वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज जिले में 32,80,000 पौधा लगाया गया है। इस दौरान हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और इनका संरक्षण करें। एक पेड़ माँ के नाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ और दो बेटियों के नाम पर एक एक वृक्ष लगाया हूँ और इनका संरक्षण किया जाएगा। जनपद के नोडल अधिकारी बनाए गए अजय शुक्ला ने कहा कि हम सभी को इस कार्य में सहभागिता करनी चाहिए और हमें सिर्फ पौधा ही नहीं लगाना है बल्कि इसकी देखभाल भी जरूरी है। देवरिया से त्रिभुवन त्रिपाठी। मैं नोडल अफसर बन के आए हैं, यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ देखने में आपको मिला है? कल हम लोगों ने वृक्षारोपण समिति की जो बैठक होती है जिला स्तरीय, उस पर भी हम लोगों ने 2.5-3 घंटे गहन समीक्षा की। यहाँ पर जनपद देवरिया में 32,81,000 के ऊपर वृक्ष लगाए जा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, और इसमें जितनों की जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके हम उतना अच्छा होगा, क्योंकि पेड़ लगाने के साथ साथ उनके बचाव के लिए भी बहुत जरूरी है कि जितने भी हमारे सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं और बाकी व्यापार मंडल, आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि जितने वृक्ष लग रहे हैं आज 32,81,000 के ऊपर जनपद देवरिया में, इन्हें हम संरक्षित करें ताकि साल दो साल में बड़े पौधों का रूप धारण कर सके। जैसा कि आप सभी अवगत हो कि वृक्ष न सिर्फ पर्यावरण संतुलन के लिए बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई व्यवस्था के लिए और साथ ही साथ जल संग्रहण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम हम वृक्षारोपण करके उनको एक अच्छा माहौल भी दे पाए और इसमें जन सहभागिता जितनी अधिक रहेगी उतना अधिक हम लोग इसमें सफल रहेंगे। वृक्षारोपण हुआ है, क्या अगली योजना जी बताएं? आज बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम था पूरे देवरिया जनपद में। आज 32,80,000 के करीब वृक्ष लगाए जा रहे हैं और मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो वन विभाग द्वारा वृक्ष दिए जा रहे हैं उनको भी लगाएं और संरक्षित करें, पर और भी वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष लगाएंगे तो ही हमारा कल सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो यही मेरी अपील है कि वो वृक्ष लगाएं और उनको संरक्षित भी करें। सर, मैं वृक्ष रखते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते फिर मौके पे। नहीं, अगर आप इसी मौके पे देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों के लगे हुए वृक्ष आपके साथ दिख जाएंगे। देखिए, वृक्ष लगाने में यही समस्या है, इसीलिए जब हम कोई वृक्ष काटते हैं तो हम कहा जाता है उससे 10 गुना वृक्ष आप लगाइए, क्योंकि कई कारणों से वृक्ष नहीं बच पाते। कई बार जानवरों की दिक्कत होती है, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है, कभी बरसात की दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें हम लोगों को संरक्षित करना आवश्यक है। यदि हम संरक्षित, जैसे छोटा बच्चा है तो आपका पालन पोषण में शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी है, उसी तरह से आप वृक्ष को मिलें
केवल लगा के अपनी जिम्मेदारी का पूर्णाहुति न कर ले, यही विभागों को भी निर्देश दिया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है सभी वृक्ष बचे। मैडम आपने भी क्या एक वृक्ष पे माँ के नाम लगाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी माँ के नाम भी और मेरी दो बेटियाँ उनके नाम भी जो है वृक्ष लगाए।